भगवान ने आपको प्रसाद में चावल दिए, वो अमर धन है। दो मुट्ठी चावल का सुदामा का महल बनवा दिया, सुदामा के ठाठ करवा दिए। द्रौपदी की बटोई में एक दाना था, उस एक दाने से 10,000 ऋषि छक गए थे, दुर्वासा ऋषि उसके शिष्य। तो आपको तो एक मुट्ठी चावल मिले, जब एक दाना लेकर भगवान ऐसे करते हैं, उस एक मुट्ठी चावल का क्या क्या करना वो कल बता दिया था। आप भी आए थे, आए थे। जो कल चावल ले गए हो या नहीं ले गया कोई, तो आज ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरी बहन मामा की बुआ की फूफी की आई नहीं, पर मैं उसका बेच दूं, वो उसके लिए सिर्फ चावल ही होगा। जो हाजिर था ये बड़ी बुतुसी को, क्योंकि जिसने देखा नहीं, कुछ मुंह से गाया नहीं, दर्शन किए नहीं, कानों से सुना नहीं, उसके लिए तो चावल चावल ही है। उसके लिए वो चावल जब धान में होता है तो धान कहलाता है, जब चावल बाहर आ जाता है धान से तो चावल है, जब वो रंध जाए है तो भात है, और जब वह हवन में जाता है तो अक्षय नाम ले लेता है, अक्षत, अक्षत नाम हो जाता है उसका, अक्षत। चावल धान में क्यों डालते हैं कि ऐसा अमर धन, मतलब चावल का अक्षत कभी खत्म ही ना हो। ये दान भगवान के अर्पण यज्ञ में किया तो इससे घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, घर में हमेशा आल रहती है, घर में कभी टोटा नहीं आता, इसलिए हवन में चावल डालते हैं। हवन में जो डालते हैं, इसमें हवन के सामान में सारे मिले होते हैं ना चीजें, तिल डालते हैं, जो भी क्यों डालते हैं, हर चीज की महिमा है। तिल क्यों डालते हैं, इससे क्या होगा, जो क्यों डालते हैं, कमल गट्ठा क्यों डालते हैं, बच्चे बेलगिरी जो भी कुछ इसमें गिरता है, उस सब की महिमा होती है। ये डालने से ये होता है, ये डालने से ये मिलता है, और जो इसमें डालें तो जो हमेशा पानी में होते हैं। आप गंगा जी में जो बोने जाते कहे करे, इसने ऐसा घर परिवार मिला कि गंगा जी में जो बोलता है, लेकिन यहाँ तो गंगा जी भी आ गई, गीता जी भी आ गई, गायत्री भी आ गई, गुरु जी भी आ गए, और भगवान साक्षात इंद्र देव, वरुण देव, सब देव आ गए, साक्षात भागवत में सारे देवी देवता आ गए। उनके शरण में आपने जो बोए तो ये गंगा तो एक है।